बहराइच में आदमखोर भेड़िये का फिर से हमला देखा गया है। इस वक्त की ताजा अपडेट आपको बता देते हैं, 7 साल के बच्चे को एक बार फिर से आदमखोर भेड़िये ने घायल कर दिया है। रात में सोते वक्त भेड़िये ने अटैक किया है बच्चे के ऊपर। मैसी इलाके के ही जंगलपुरवा में यह अटैक हुआ है, जहां पर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, कई और भेड़िये हैं, 9 के करीब संख्या बताई जा रही है इन भेड़ियों की, जिनको पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल ऑपरेशन को रोकना पड़ा था क्योंकि बारिश हो रही है मैसी इलाके में, और तेज बारिश की वजह से जिन ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है वो चलाने मुश्किल है, इसीलिए तेज बारिश में ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। और जानकारी हमारे सहयोगी इसके ऊपर देंगे ताजा अपडेट के साथ। राजीव के पास जाएंगे सीधा, बहराइच से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, इस समय की ताजा अपडेट दीजिए, बताइए कि एक बार फिर बारिश थमने के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है या फिर नहीं? अब देखिए, यकीनन बारिश जो है वो थम चुकी है, जिसके चलते वन विभाग ने एक बार फिर इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपना जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया है। लगातार ड्रोन कैमरों से पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए कहाँ हैं। लेकिन बीती रात में जो वन विभाग ने इन भेड़ियों की घेराबंदी की थी, ड्रोन कैमरों में वो दिख रहे थे, पहले इन्होंने घेराबंदी को तोड़ा। रात इसकी गर्दन पर आप देख सकते हैं कि गंभीर रूप से ये घायल हुआ, जिसके बाद इसको महसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हम जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी माँ भी मौजूद थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने बजे की घटना है, पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? 1:30 के बाद थी आया भेड़िया और लौंडे का पकड़ ली, तो हम हल्ला करें उसके ऊपर हार रखे रहे, तब हल्ला किए हैं, तब भगा है वो, जान ना मिला कैसी गवाह भाग के। तो क्या ये बच्चा उस वक्त घर के बाहर सो रहा था, छत पे सो रहा था, क्यों कैसे अंदर घुसा हुआ? अंगना में गेट नए रहे, अंगना में सोत रहे, अंधेरे सब है, खाली गेट नए रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट ना होने पर सीधे भेड़िया जो है वो अंदर घुस रहा है और बच्चों को टारगेट कर रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? पारस। पारस, कैसे ये पूरी घटना हुई, बताइए पूरी बात। आप लाद कर भेज दिया, पकड़ के देखो गोड़ खाई चला, हम पकड़ तब भाग तब पकड़ के खटिया देखो पकड़ लिया तो ना खाई भाग गए, हम नाना घुरे तो उठे हैं तो भाग है बड़ी तेज। तो जैसा कि आपने सुना, ये बच्चा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था, जिसके चलते ये भेड़िया घुसा और उसके बाद इस पर हमला किया, क्योंकि इसकी माँ इसके साथ सो रही थी, तो उन्होंने जब भेड़िये को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़कर भागा। इसके साथ ही एक शख्स और है जो भेड़िये के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरिया कुट्टी के रहने वाले हैं। ये बताइए कि कैसे ये पूरा हमला हुआ, कितने बजे की बात है? 4 बजे भोर की बात है, और हम बथरूम करने गए, वहाँ से वापस आए और चारपाई पर बैठे थे, और वो जानवर आया हमको पकड़ लिया पीछे से, पकड़ लिया हमको, तो कौनी मेरे के जैसे सोए हुए तो तुम्हारा डर थे, लेकिन उसका जब उनका गर्दन जब हमारे हाथ में आया जोर लगा के जब दाबे हैं तो वो छोड़ दिया हमको, तो वो भगा। आगे के पतला है, पीछे के मोट है, बार भी हैं उनके बड़े बड़े। तो जैसा कि आपने सुना कि आदमखोर भेड़िया इस लेवल पे एग्रेसिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था, वहां पर उसने अटैक किया। और इस दौरान हमारे साथ जो डॉक्टर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है अभी? पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है और उनको अभी कोई समस्या नहीं, माइल्ड सिंपल इंजरी थी जो शायद मे भी नाखून से या उसके दांतों से आई होगी, जिसके प्राइमरी उपचार कर दिया, पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। डॉक्टर साहब, ये भेड़ियों के हमले से कितने केस अब तक आ चुके हैं? कितने केस के हमारे पास लिस्ट बना रखी है हम लोगों ने, अभी तक 28 लोग आ चुके हैं और जिसको हम लोगों ने SDM को प्रोवाइड भी कर चुका है। ठीक, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है ये कि आदमखोर भेड़िये से घायलों की सूची CSC मासी बहराइच में, अब तक 28 केस यानी 28 जो हमले किए हैं उसने, उस उनके मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या डॉक्टर साहब, जो आज ये दो पेशेंट आए उनका एडमिट है?
नहीं नहीं अभी अभी इसको एडिट। तो अगर उन दो को ऐड कर लिया जाए तो करीब इस इलाके में 30 लोगों को भेड़िए ने घायल किया है, जिसको सिर्फ महसी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज कराया गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो इस भेड़िए ने हमला किया है उसमें घायल लोगों का फिलहाल वो खतरे से बाहर है, उनको प्राइमरी इंजरी आई थी जिसको लेकर उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद, करीब 10 से 15 दिन की दहशत के बावजूद, जो आदमखोर भेड़िए हैं वो न तो वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं और लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे इलाके में अभी भी इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत को लेकर काफी लोग खौफजदा हैं, लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बहराइच से वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनकी टीम ने दो और भेड़ियों को ट्रेस कर लिया है और उम्मीद है कि आज या कल इनको पकड़ लिया जाएगा। इन भेड़ियों की वजह से आसपास के कई गांवों में भी लोग दहशत में हैं। कई टीमें इनको पकड़ने के लिए दिन रात लगातार काम कर रही हैं। ड्रोन की मदद से इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि दो और भेड़िए खोज लिए गए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस मामले में। अब इनको पकड़ने के लिए कोशिश तेज कर ली गई है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भेड़ियों की घेराबंदी की जा रही है तो वहीं खतरा भी टला नहीं है। एक बार फिर से भेड़ियों ने बच्चे पर हमला कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आज की रात बेहद भारी है, आज की रात बेहद सतर्क है। अगर सावधानी हट गई तो घटना भी घट सकती है। बहराइच की महसी तहसील के 30 से ज्यादा गांवों को आज बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि आज आदमखोर भेड़िए फिर से खूनी खेल खेल सकते हैं। बहराइच में भेड़ियों की धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे में दो भेड़िए देखे गए हैं, जिसके बाद से घेराबंदी की गई है। लेकिन भेड़िए बेहद ही शातिर हैं। वो हमला कब कर दे कोई नहीं जानता। आज की रात क्यों मुश्किल बताई जा रही है वो अब जानने की कोशिश करते हैं। खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने आखिरी शिकार 27 अगस्त को किया था। दीवानपुरवा गांव में रात के भेड़िए आए और सो रहे 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गए। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला, लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुके थे। घर से 200 मीटर दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव छत विछत हालत में मिला था। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। अब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना समय आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलेगा तो भेड़िए परेशान हो जाएंगे और वो शिकार की तलाश में रात में गांव की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए इस आशंका के चलते लोगों को बेहद ही सावधान रहना होगा। जैसे कि अब खरगोश वगैरह शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए, और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदि हो जाते हैं। तो इस चूँकि फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना पड़ता है। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला इन आदमखोरों को दबोचने में लगा हुआ है। भेड़ियों का बचकर निकलना आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। बहराइच से न्यूज 18 के लिए राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर तैनात है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि दो आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश हो रही है वो ड्रोन कैमरे में कैद कर लिए गए हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई है। अब इनको पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे दो आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो दो भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है। बहराइच फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा था उससे दोनों भेड़िए इधर आते हुए दिखे हैं, इन खेतों में गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किधर से ये भेड़िए गायब हुए हैं। जैसे ही ड्रोन कैमरे को नीचे किया गया, वैसे ही ये जो भेड़िए थे ये यहां से निकलकर इसी खेत से होकर आप देखेंगे तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो उनके पगमार्क्स भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये पगमार्क है जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते जो है वो दोनों भेड़िए अंदर इंटर हुए हैं, जिसके बाद इसी खेत से होकर उनकी लोकेशन जो है वो बाद में गायब हुई है। दरअसल लगातार ड्रोन कैमरों के नजर में रहने के चलते अब वो ड्रोन को भी देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे में ट्रेस होने के बाद वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से इन दोनों भेड़ियों को यहां पर घेरा है और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गन्नों के खेत में, इन मक्के के खेत में छिपे भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो कारण है जिनके चलते भेड़ियों को एक शेल्टर मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फसल है, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मक्के की हो, जिसका फायदा उठाकर वो गांव से बाहर आते हैं, इनमें छिपते हैं और फिर वो देर शाम अटैक करते हैं। बीते 48 घंटे से भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे में दोनों भेड़िए देखे जाने के बाद पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐसे में कोशिश यही है कि लगातार इन भेड़ियों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि अब इनकी लोकेशन मिल चुकी है तो चारों तरफ से जो वन विभाग की टीम है वो इनको घेर चुकी है। कोशिश यही की जा रही कि आज देर शाम इन भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है, या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले डेढ़ महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवान पुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, स्वास्थी, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ने के लिए हर जतन किया जा रहा है, ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। भेड़ियों को अलग अलग तरीकों से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पटाखे भी छोड़े गए, अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद है। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक मिला, क्या इनपुट? देखिए, आज लोकेट हुए थे दोनों और उनको घेरने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए। लेकिन अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से
उन पर निगरानी रखे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंकलाइज करके कैप्चर कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना हमारे साथ डीएफओ साहब भी मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं, सर क्या इनपुट है, कब तक उम्मीद है? अभी जैसे आपने देखा हमारी चीफ मैम ने बताया कि शाम तक हम पकड़ लेंगे तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वन विभाग के जो बड़े ऑफिसर हैं वो इस वक्त लगातार फील्ड में हैं और जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहां पर इस वक्त वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है, यहीं पर कुछ दूर पर जो आदमखोर भेड़िए हैं वो ट्रैक किए गए हैं ड्रोन के जरिए अब से कुछ देर पहले, जिसके चलते ही ये पूरी टीम जो है यहाँ पर कैंप कर रही है, जिसकी सूचना पर खुद वन विभाग के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश ये रही कि हर हाल में आज शाम तक इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए ताकि इस पूरे इलाके को दहशत से मुक्त किया जाए। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है, भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़ियों ने रात के अंधेरे को चुना और मासूमों को शिकार बनाया। इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों के हमले से कई बच्चों समेत 9 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल हो जाने के बाद वन विभाग ने इन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते 3, 8 और 18 को वन विभाग ने 3 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया। लेकिन उसके बावजूद हमलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई और ये हमले और तेजी से बढ़ गए, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वन विभाग के बड़े अफसरों को मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन भेड़िया चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से लगातार वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। थोड़ा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो बढ़िया से आएगा और उसके बाद हम अपना उसको कवर करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो थर्मल स्कैनर है उसको स्कैन करने में दिक्कत होती है, इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है क्योंकि भेड़िया रात्रि चर है, शाम होते ही एक्टिव होता है, तो ऐसे में वो दोबारा मूवमेंट करेगा, जिसके चलते चारों तरफ से घेर लिया गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है, वन विभाग यही चाहता है कि अब उसे किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर नहीं निकलने देना है और देर शाम तक उसे पकड़ लेना। यही कारण है कि न सिर्फ ये टीम बल्कि आप देख रहे हैं जो दूसरे कॉर्नर्स हैं वहां पर भी टीम लगाई गई है। आमतौर पर भेड़िये को इतना उग्र नहीं माना जाता है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी आशंका जता रहे हैं भेड़िया लंगड़ा हो चुका था जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया कि एक भेड़िये के पैर में दिक्कत है जिससे वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा और इसलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। महसी तहसील क्षेत्र के भेड़ियों का पहला हमला मार्च के महीने में हुआ था, उसके बाद मार्च में ही भेड़ियों ने दूसरा शिकार किया था, उसके बाद जुलाई के महीने से तो आदमखोर भेड़ियों ने आतंक ही मचा दिया है। वहीं 17 जुलाई से 27 अगस्त तक खूंखार भेड़ियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महसी तहसील और उसके आसपास के इलाकों में भेड़िये बड़ी समस्या बने हुए हैं। अब बाकी बचे 2 भेड़ियों की लोकेशन कुलेला गांव में पाई गई है। अब उम्मीद है कि ये आदमखोर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, जिसका यहां के 50,000 लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट।